प्रीति, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी स्नैक्स बच्चों के लिए, जो आप उनको फटाफट से लंच बॉक्स में बना के रख दो मॉर्निंग में, और कोई गेस्ट आ जाते हैं तो तभी भी आप फटाफट से बना के उनको खिला सकते हो, और ये बहुत ही यमी लगते हैं। चलिए बनाते हैं। इसके यहाँ के इसके लिए ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए होता। दो बड़े आलू लिए मैंने, दो हरी मिर्च लिए हैं दो तीन, और तीन चार के लिए लहसुन के लिए, एक छोटा सा मैंने पीस अदरक का लिया है। ये सारी चीज़ें मैं मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लूँगी, और थोड़ा पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं। और ये सारी चीज़ें डाल के और थोड़ा पानी डाल के इसको पीस, खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। आप एक बार बना के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, और बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। ये तारा मैंने एक बर्तन में निकाल लिया जो पेस्ट मैंने पीसा। इसके लिए मुझे सूजी चाहिए हुई कटोरी, और ये जो मुझे मसाले हल्दी लाल मिर्च, और ये मैंने अदरक और हरी मिर्च को कूट के रखा हुआ है, ये जीरा जो भून के पीस के पाउडर रखा था वो है, दरदरा पीस के मैंने धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो रखा हुआ है, और एक सौंफ धनिया और जीरे का एक और पाउडर बना के भून के पाउडर बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, ये सूजी डाली है और हींग डाली है, एक कटोरी सूजी और ही एक छोटी चम्मच ही, और वो जो जो मैंने पेस्ट पीसा था वो सारा मैं इसमें डाल दूंगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए ऐसा लगेगा। फिर मैं एक कढ़ाई में ऑयल गरम करूंगी थोड़ा सा, उसमें मैंने ये अजवाइन डाल दिए थोड़ी सी, और जीरा डाल दिया, और हींग थोड़ी सी डाल दिए, और इसमें ये सारे मसाले जो साबुत धनिया, कुटी हुई जो दरदरा करके मैंने पीस के रख लिया था, और ये सब पिसे हुए मसाले सारे डाल देंगे। इसको हल्का सा चलाएंगे, हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर ये सारा पेस्ट इसमें डाल देंगे, इसको डो के जब ये डो सा बन जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। फिर इसमें भी हमें ऑयल डालना होगा ताकि ये चिपके नहीं, और अच्छे से इसका डो बन जाए और टिक्कियाँ भी अच्छे से बने। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है एक चम्मच करीब, और नमक डाला है, और ये अमचूर पाउडर डाला है थोड़ा सा एक चम्मच करीब, छोटी चम्मच, ज़्यादा बड़ी चम्मच नहीं है, और एक चम्मच करीब नमक डाला है, लेकिन आप स्वाद के अनुसार आप डाल लीजिएगा। और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। अभी जितना मैंने बनाया उसमें इतनी टिक्कियाँ बनी है। फिर मैं एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे अच्छे से। जब ऑयल गरम हो जाएगा फिर हम इसमें ये सारी एक एक करके टिक्कियाँ डाल देंगे। ये बहुत ही यम्मी लगते हैं, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बच्चों के लिए फटाफट से बन जाएगी, और बच्चों को भी बहुत, जो बच्चों को वैसे भी नया नया कुछ ना कुछ खाना होता है तो उनके लिए एक अलग से रेसिपी होगी। इसमें भी आप सब्जियां भी डाल के बना सकते हो, जैसे शिमला मिर्च, गाजर वगैरह डाल के आप बना सकते हो। अभी मैंने ये सिंपल वाले बनाए हैं तो ये भी बहुत ही यम्मी लगते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह सब डाल के आप बना सकते हो। इसमें गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब आप उनको निकालेंगे। ये बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत सॉफ्ट और अच्छे बने हुए हैं, टेस्टी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।